हम 42 दिनों से यहाँ डटे हुए हैं और गांधीवादी तरीके से हम आंदोलन कर रहे थे। हम भी बहुत दिन हो गए, परेशान हो गए। हम ये चाह रहे थे भी सरकार हमारे को बाल करे, लेकिन यदि घी अगर सीधी अंगुली से नहीं निकलेगा तो हमारे को आंगली ठेढ़ी करनी पड़ेगी। हम इतने दिन गांधीवादी तरीके से, फिर सरकार हमारे को भगत सिंह बनने पर मजबूत कर रही है। इनको पता नहीं ये आज़ादी अपन को ऐसे ही नहीं मिली थी। अपने देश की आज़ादी के लिए अपने देश के अनेक वीर योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया था, तब जाकर हमें आज़ादी मिली थी। उसमें भी कुछ के अंदर भी रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी कालीबाई जैसी वीरांगनाओं ने अपना बलिदान दिया था, तब जाकर देश की आज़ादी मिली थी। तो इसी तरह हमारे को भी भगत सिंह बनने पर बलिदान देना पड़ेगा। एक इस बीच में हमारा भाई ने बलिदान दे ही दिया था, राजकुमार जी गुप्ता। और इसी ये सरकार चाहती है कि अगर और ये इसको बलिदान की जरूरत है तो भी वो हमें देंगे। ऐसे हम डरने वाले नहीं हैं। अपन इतने दिन से गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे थे। पहले हम जब जाते थे तो घर घर जाते थे और लोगों को बताते थे। आज इनकी स्थिति ये होगी कि विकसित भारत का कैंप लग रहा है तो उसमें चेयर तो लगी हुई 150 आदमी आ रहे, 10, 12, 15 वो भी उनके अधिकारी है। पहले क्या है, हम घर घर जाते थे और बताते थे तो लोगों में वो रुझान था, सरकार की योजनाओं के बारे में उसको पता चलता था, आते थे। आजकल और जब से युवा मित्र को यहाँ हटाया है, सबसे यह समस्या आ रही है। सरकार से हम निवेदन करते हैं भी हम सबको बाल करें और इतना परेशान नहीं करें। अपना वैसे अपने इतने दिन आपने हमारी बहुत परीक्षा ले ली और हम सबको बाल करें। मैं रामचंद्र नायक, श्री गंगानगर से, राजीव गांधी युवा मित्र। हम लगातार 42 दिन से धरना स्थल पर बैठे हैं और हमारी जो जायज़ मांग है वो सरकार के द्वारा नहीं सुनी जा रही है और हमारी कमेटी एक दो दिन में जल्दी डिसीजन लेने जा रही है ताकि हम 42 दिनों लगातार गांधीवादी तरीके से ये सही स्मारक पे बैठे हैं और सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए थी, क्योंकि हम ये जो युवा देश के बच्चे हैं और हमारी जो मांग है जायज़ भी, हमारी जो बाली के लिए, तो उसके लिए निरंतर हम धरना दे रहे हैं। तो यही कहना चाहूँगा सरकार से कि हमारे बीच में आए, हमारे से वार्तालाप करे और हमें बाल करे। चौधरी, संगठन मंत्री, प्रदेश कार्यकारिणी। आज हमारे धरने को 42वां दिन हो गया है और सरकार से अब भी हमें ये उम्मीद है कि सरकार हमारी मांग सुनेगी, क्योंकि जिस तरीके से हमें जो राजनीतिक से जोड़ा गया है, मैं सरकार को एक अंतिम चेतावनी के रूप में बताना चाहूँगा कि अगर हम किसी राजनीतिक से होते हैं तो फिर हम आपकी योजनाओं का प्रचार कैसे करेंगे। हम तो कह रहे हैं ना आपको, आप किसी भी नाम से करो, अगर कोई राजनीति का होगा तो खुद ब खुद साइड हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि आप उन्हें लगाओगे और वो आपकी योजना का प्रचार नहीं करेगा, किसी और का करेगा। अगर आपकी योजना का प्रचार नहीं करेगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको हटा देगा। तो मैं सरकार से अंतिम बार और अंतिम चेतावनी के रूप में ये कहना चाहता हूँ कि आप हमें बहाल करें, और नहीं तो प्रदेश कमेटी की तरफ से एक ठोस डिसीजन लिया जाएगा। और हम अभी भी ये चाहते हैं कि सरकार हमें मजबूर ना करें और हमें बहाल कर दे। आज हमारे धरने को लगातार 42वां दिन है और हमने सारे प्रयास किए, अर्धनगर प्रदर्शन भी किया, मुर्गा प्रदर्शन भी किया, सांकेतिक फांसी भी हमारे द्वारा की गई, हमने खून से पत्र भी लिखे और गांधीवादी तरीके से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। और हमें अभी भी विश्वास है कि ज़रूर सरकार हमारे लिए न्याय करेगी, क्योंकि हम वो राजनीतिक दलदल में ना फंसाएँ। कल आदरणीय किरोड़ी लाल जी जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनका एक बयान आया था न्यूज पर कि ये तो कांग्रेस ने मेरे घर जो महिलाएं बिठा दी थी, महिला युवा मित्र को। तो हम किरोड़ी लाल जी से कहना चाहते हैं कि आदरणीय मंत्री जी, हमें किसी कांग्रेस ने ना बिठाया, हमें राजनीतिक दल के साथ ना जोड़ा जाए। ये एक इत्तेफाक था कि हमारी नियुक्ति कांग्रेस के शासन में हुई, तो नियुक्ति किसी शासन में हो तो वो उस पार्टी का नहीं हो जाता। तो हम तो बेरोजगार युवा हैं, तो हमारी सुध लें। और जो महिलाएं थी, वो महिला युवा मित्र आपके घर इसलिए बैठी थी क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि बाबा ही वो सब कुछ हैं जो कि गरीबों के मसीहा हैं और युवाओं की आवाज़ उठाते हैं। आपने हर वर्ग की, हर तबके की आवाज़ सुनी है और उन्हें न्याय दिलाया है, इसीलिए आप भी, आप पर हमको भरोसा है कि आप ज़रूर इस न्याय की लड़ाई में हमारा साथ दोगे और हमारी बहाली कराओगे। मैं जितेंद्र सिंह गुर्जर, महासचिव युवा मित्र संघर्ष समिति राजस्थान। हम आगे की रणनीति पे बात कर रहे हैं। आज 42 दिन हो गए हमारे धरने को, लेकिन ये सरकार इतनी निर्दयी हो चुकी है, जिसको
सिर्फ कांग्रेस बीजेपी के मुद्दे तक ही इन्होंने सीमित रखा है। ये गरीब किसान मजदूर के बेटे अब 42 दिन से भूखे प्यासे हैं, इन्हें कोई उनकी परवाह नहीं हो रही। तो हमने निश्चय किया है हमारी प्रदेश कार्यकारिणी ने कि कल हमारे राजस्थान के तमाम सभी जिला अध्यक्षों की मीटिंग है, प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग है, और एक बड़ा फैसला हम उसमें लेने जा रहे हैं। तो सरकार को हम चेता देते हैं कि अब आपको अगर ये धरने से फर्क नहीं पड़ रहा तो और भी बड़ा आंदोलन झेलने के लिए आप तैयार रहो। हम जब तक बहाल नहीं कर दोगे तब तक घर नहीं जाएंगे। हम अटल इरादों के साथ यहाँ बैठे हैं, आपको बहाल करना पड़ेगा और कल से जो नई प्लानिंग हम तैयार करेंगे उसके बारे में जल्द ही हम मीडिया को भी अवगत कराएंगे।